ऐतिहासिक गौचर मेले की तैयारियां शुरू। जिलाधिकारी मेलाध्यक्ष संदीप तिवारी की अध्यक्षता में हुई गौचर मेले की पहली बैठक। जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों से लिए सुझाव। सबकी सहभागिता और सहयोग से होगा मेले का भव्य आयोजन, जिलाधिकारी ने कहा। उत्तराखंड की संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय से 7 दिन तक चलने वाला लोकप्रिय गौचर मेला 14 नवंबर से शुरू होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी मेला अध्यक्ष संदीप तिवारी की अध्यक्षता में रास के इंटर कॉलेज गौचर सभागार में पहली बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य रूप देने एवं मेले के सफल आयोजन हेतु जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। मेले के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जरूरी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श भी किया गया। जिलाधिकारी मेलाध्यक्ष ने कहा कि मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय लोगों के सुझावों को मेला समिति में रखकर गंभीरता से विचार किया जाएगा और सबके सहयोग से मेले को आकर्षक एवं भव्य ढंग से आयोजन कराया जाएगा। मेले में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। मेले के दौरान गौचर बाजार और क्षेत्र का विशेष सौंदर्यीकरण, नगर में पार्किंग, परिवहन, सफाई एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय लोगों ने मेले के भव्य एवं सफल आयोजन के लिए अपने अपने सुझाव रखे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को मौका देने, मुख्य पंडाल का आकर्षक और बड़ा बनाने, मेले में लगने वाले स्टॉल एवं दुकानों का शुल्क निर्धारण और पारदर्शिता के साथ दुकानों का आवंटन कराने, मेले के उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने, महिला मंगल दलों को अवसर देने, खेलकूद प्रतियोगिताओं का स्तर आगे बढ़ाने, नगर में पार्किंग की सुविधा की समुचित व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, SDM संतोष पांडे, CMO डॉक्टर राज किस पांडे, परियोजना निदेशक आनंद सिंह आदि अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने अपने सुझाव यहाँ दिए हैं, जिनको हमने आज पहली बैठक आयोजित की गई है गौचर मेले की, और स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल अध्यक्ष के लोग, महिला मंगल दल के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, उनको इनवाइट किया गया था सुझाव देने के लिए, और सभी ने अपने सुझाव यहाँ दिए हैं, जिनको हमने नोट कर लिया है। अब प्रयास रहेगा कि उनके सुझावों पर अमल करते हुए इस बार भव्य गौचर मेला आयोजित